सुंदर बदन पवन बल लोचन Thank you.
जय राधे जय जय माधव जय जय राधे जय जय माधव जय गोकुल तारुणी मंडल मणि गोकुल तारुणी मंडल मणि जय राधे उसका थोड़ा सा
रिपीटेशन करने के लिए बोल ली गई हिसाब किताब मेरे मन में। तो एक ग्रंथ है भक्ति विनोद ठाकुर का भक्ति तत्व विवेक, जो प्रभु जी की रिकॉर्डिंग सुन करके बड़ौद में फिलहाल चल रहा है। गुरुदेव ने कहा कि उसमें से जो तुमने श्रवण किया है प्रभु जी से उसको तुम थोड़ा यहाँ पे बता। कल जो लास्ट मैंने श्रवण किया था उसमें प्रभु जी ने क्वेश्चन आंसर किए थे। पहला चैप्टर उसमें कंप्लीट हुआ, उसमें प्रभु जी ने क्वेश्चन आंसर किए थे कि भक्ति उसके कुछ 20 के आसपास क्वेश्चन आंसर मैं उसी को रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि उनसे सारे का सारे कंप्लीट हो जाएगा। उसमें पहला क्वेश्चन था जो मेरा आपसे भी है कि भक्ति को स्वरूपता जानने की जरूरत क्या है। हम लोग भक्ति करना चाहते तो हैं पर भक्ति है क्या वस्तु यही नहीं जानते, बोले क्यों जानने की जरूरत है, कोई मुझे बता सकता है? गुरु जी ने उसको बताया कि इससे दो चीजें होंगी भक्ति को जानने से, बोले क्या? पहला, भक्ति के विषय में जो हमारा अज्ञान है वो दूर हो जाएगा, और दूसरा जो भक्ति के जैसे जितने भी इसमें विषय हैं जितने जो भक्ति के विषय दिखाई पड़ते हैं उनसे हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। बताया कि आपको सोने की दुकान पे सोना खरीदने के लिए जाना है तो आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? सोने की नॉलेज होनी चाहिए या ये नॉलेज होनी चाहिए कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है? असली का तो चलो पता हो ना पता हो पर नकली का पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि असली से ज्यादा नकली चमकता है। इसलिए वहां पे बताया कि हम वास्तविक भक्ति कुछ शायद जान पाए प्रॉपर्ली ना जा पाए फर्क नहीं पड़ता इतना, पर लेकिन जो भक्ति जैसे जो दिखते हैं उनको जानना बहुत जरूरी ताकि हम अपने आप को उनसे बचा सकें। फिर दूसरा, भक्ति है क्या चीज? हम लोगों ने पूरे भागवतम में पूरे भागवतम का सार है अपने जीवन में भजन को लेकर के आना, भक्ति करना। तो भक्ति का मतलब क्या है? तुमने बताएगा किसी के मन में 6 दिनों में भी तो कोई जिज्ञासा नहीं इस बारे में कि भक्ति में जिस बारे में बताया जा रहा है। गुरुदेव 3-3, 4-4 घंटे बैठ के कथा करते हैं स्टेज पे, फिर यहाँ पे भी अलग से कथा होती है उसी चीज को बताने के लिए। तो किसी के मन में प्रश्न नहीं उठा कि भाई जो बताया जा रहा है क्या? कल रात अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो कल रात मेरे भाई ने मुझे एक बहुत सुंदर बात बताई जो श्री स्वामी प्रभुपाद बोला करते थे कि भक्ति एक श्लोक है, तो मुझे श्लोक याद नहीं है भजदात मतलब कुछ ऐसे करके श्लोक है, तो उसने बताया कि भक्ति मतलब सेवा। भक्ति जो शब्द है वो बना है भज धातु से, हर शब्द किसी ना किसी धातु से निकल के आया संस्कृत में, तो वो संस्कृत का शब्द है भज। भज मतलब होता है सेवा। तो कल रात मेरे भाई मुझे बता रहा था कि जीव के स्वरूप में यानी कि मनुष्य किसी ना किसी की सेवा तो करेगा ही करेगा, बिना सेवा के वो रह ही नहीं सकता, या तो भगवान की करेगा या जगत की करेगा, और जो जगत की भी नहीं कर सकता वो कुत्ते पाल लेते हैं। बोले क्यों? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे किसको लेके जाते हैं? कुत्तों को। बोले अब तो उनसे जगत की तो हो नहीं रही है, वो किसी कर रहे कुत्ते बिल्लियों की कर रहे। तो देखो जीव के स्वरूप में सेवा तो है ही है। भक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उठा के अपने कंधों पे रख लिया और फिर उसे लेकर चलना पूरी जिंदगी, बोले नहीं। भक्ति जगत की सबसे सरल वस्तु है जो जीव के स्वरूप में अपने स्वरूप में ही है, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बोले क्यों? बोले सेवा। भक्ति मतलब सेवा, और सेवा के बिना कोई जीव रह सकता है? जब तक किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान ना हो, किसी के लिए वो कुछ करे ना और उसको एक्सेप्टेंस रिप्लाई में कुछ मिले ना, तो उसका जीवन कैसा है? लोग सोसाइटी करते हैं इसीलिए करते क्योंकि अब उनके पास किसी के लिए करने के लिए कुछ नहीं है और किसी से उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो यही जो क्या बोलेंगे इसको आदान प्रदान है, यही है भक्ति। पर किसके साथ करना है? बोले हरि गुरु वैष्णव के साथ करना है। बोले अगर यही चीज हमने हरि गुरु वैष्णव के साथ कर ली तो यही भक्ति है, और यही अगर हमने संसार के साथ कर ली तो यही हमारा बंधन का कारण है। तो इसको बताया करना कैसे है, इसके लिए श्लोक आया अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। बोले भक्ति की तो इससे पहले कई सारी डेफिनेशन दी हुई है, पर बोले जो सबसे सटीक
जिसमें प्रॉपरली भक्ति है क्या, उसको बताया गया वो क्या है। वो बोले रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक लिखा, बोले अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुसूचन भक्ति रुतम। बोले किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसके लक्षणों को देखना पड़ता है। बोले कैसे, अगर आपको किसी वस्तु को जानना है तो उसको कैसे जानोगे? अगर आपको किसी वस्तु के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो उसके बारे में कैसे जानोगे? सिम्टम्स को देखकर, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसके लक्षणों को देख करके। बोले लक्षण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वरूप लक्षण यानी कि मेन, और दूसरा तटस्थ लक्षण यानी कि सेकेंडरी लक्षण। एग्जाम्पल दिया एक डॉक्टर का, डॉक्टर को पहचानना है तो उसका कैसे पहचाने उसको? इसके दो लक्षण है, एक मेन लक्षण और एक सेकेंडरी लक्षण। तो बोले कि मेन लक्षण क्या है, यानी कि डॉक्टर का नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, और सेकेंडरी लक्षण क्या है, उसकी ड्रेस और उसके स्टेटोस्कोप्स वगैरह जो भी है उसका। बोले इसके बिना अगर कोई मैं जाके खड़ा हुआ ड्रेस और स्टेटोस्कोप पहन के, क्या मैं डॉक्टर बन गया? बोले कोई लोग मुझे समझ सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, पर मैं वास्तव में डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने ये चीज नहीं पहन रखी तो कैसे मतलब डॉक्टर नहीं है? बोले नहीं, उससे पहनने ना पहनने से फर्क नहीं पड़ता, वो डॉक्टर क्या है, उसकी नॉलेज, वही उसके डॉक्टर है। अगर वो नॉलेज चली जाए फिर क्या वो डॉक्टर रहेगा? फिर वो कितने कोट पहन के घूमता रहे। घर जा रहा था अपने हॉस्पिटल से, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेमोरी लॉस, पर क्या वो डॉक्टर कहलाएगा? बोले क्यों, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है डॉक्टर की, वो एक्सपीरियंस अपना खो बैठा है। तो बोले भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? अब जैसे हर वस्तु को जाने, भक्ति भी तो एक वस्तु है। बोले भक्ति को कैसे जानेंगे? बोले भक्ति के भी दो लक्षण है, एक मेन और एक सेकेंडरी। बोले मेन लक्षण क्या है? बोले अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन, बोले ये मेन लक्षण है। और बोले सेकेंडरी, बोले अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो पहले हम मेन लक्षण को लेते हैं, बोले अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम। अब यहां पे विशेषण लगा है अनुकूल्यन और कृष्ण, यहां पे दो विशेषण है। विशेषण समझते हैं, किसी चीज की विशेषता बताने वाले। हाँ, बोले किसी चीज की विशेषता प्रकाशित करने के लिए हम कोई विशेषण लगाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कहीं पार्क में कोई एक ही गाय खड़ी है तो आप लोग ये नहीं बोलोगे कि वो जो गाय है उसकी कोई विशेषता बताते हुए, ऐसे कुछ नहीं बोलोगे। सिंपल बोलो गाय ले आओ, वो जो गाय है वो मेरी गाय है उसको ले आओ। अगर वहां पे 6-7 गाय हैं और उसमें एक आपकी है और आपको किसी को बोलना है कि वो गाय लेके आओ, अब वो बोले कौन सी गाय भैया, इतनी सारी गाय है, तब आपकी कुछ विशेषता बताओगे। वो जो उसके सींग मुड़े हुए हैं, वो जो चितकबरी सी है, काली भूरी पीली जैसी भी है, वो गाय मेरी उसको ले आओ। तो मतलब किसी वस्तु की विशेषता को दिखाने के लिए यहाँ पे विशेषण लगाया जाता है। अब जो अनुशीलन है उसके लिए दो विशेषण लगाए, बोले अनुकूल्य और कृष्ण अनुशीलन। तो अनुकूल शब्द का मतलब क्या, पहले हम ये समझेंगे अनुकूल शब्द का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जिसके हित में किया जाता है कोई कार्य, जिसे करने से ना आनंद मिले, नहीं जो सुविधाजनक हो। और कोई जिसकी सेवा की जाए उसका अनुकूल। अनुकूल्य हिंदी शब्द है, फ्रेंच या जर्मन का नहीं बोल रहा, हिंदी शब्द है। क्या समझते हैं आप लोग अनुकूल अनुशीलन से? अनुशीलन शब्द के मतलब होते हैं किसी के बारे में विचार करना, उसकी स्तुति करना, उसका अनुसरण करना, ये होता है अनुशीलन। पर बताया किस तरीके से करना है किसी का विचार? बोले दो तरीके से होता है, एक होता है निवृत्ति मूलक और एक होता है प्रवृत्ति मूलक। इसको कैसे कह सकते हैं, अगर हम सिंपली कहें तो विधि और निषेध। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देकर बोले आपको ये खाना है, और कुछ परहेज भी बताएगा आपको ये नहीं खाना है। तो वैसे ही भक्ति में अनुशीलन जो है कुछ तरीके से करना है और किसी तरीके को नहीं करना, उसी को कहते हैं विधि और निषेध। बोले अनुशीलन तो कंस ने भी किया, जरासंध ने भी किया, शिशुपाल ने भी किया, चारु मुष्टिक ने भी किया, और अनुशीलन ब्रज में ब्रजवासी ने भी किया, राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, कृष्ण की सखा, सभी ने अनुशीलन किया। तो बोले कि अब यहाँ पे अनुशीलन सब कर रहे हैं, पर विशेषता दिखाने के लिए
यहाँ पे क्या विशेषण लगाया? अनुकूल्य। इसी अनुशीलन की विशेषता दिखाने के लिए यहाँ पे क्या दिखाया? अनुकूल्य। तो अगर अनुकूल्य शब्द का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जो अनुकूल शब्द है उससे क्या समझते हैं? कृष्ण के हित में किया जाता है वही अनुकूल चीज है, जैसे माँ यशोदा ने किया और राधा रानी ने किया। जो और कोई अनुकूल शब्द का मतलब क्या है? कुछ तो मतलब माता जी ने कहा जिसको कुछ पसंद हो। अब यहाँ पे यही चीज को समझाने के लिए यहाँ पे अनुकूल शब्द का मतलब निकाला। बोले अगर 90% लोगों से पूछा जाए अनुकूल शब्द का मतलब क्या, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को पसंद आनी चाहिए, पर यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। बोले क्यों? जब यशोदा मैया, शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब दाऊद लीला सबने सुनी है, बोले यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही है और चूल्हे में दूध उफन रहा है, तो मैया सोच रही है वहां दूध उफन रहा है, यहाँ दूध उफन रहा है, पर पहले दूध को बचाना चाहिए। बोले मैया यशोदा की आसक्ति पुत्र से ज्यादा दूध में हो गई। बोले कृष्ण दूध पीना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन मैया यशोदा क्या दिख रही है? चूल्हे पे रखे हुए दूध को। तो ये यानी कि मैया यशोदा की कृष्ण आसक्ति नहीं है इतनी, कृष्ण से प्रेम नहीं है, प्रेम किसे? दूध से। अब यहाँ तो कृष्ण को पसंद नहीं आ रही चीजें। अगर अनुकूल शब्द का मतलब प्रसन्न पसंद कर न ले तो यहाँ तो कृष्ण को चीज पसंद नहीं है। राधा रानी, कृष्ण राधा रानी से मिलना चाहते हैं, पर राधा रानी रूपमंजरी जी को बाहर खड़ा कर देती, बोलती कि आज मैं किसी काली वस्तु को देखना नहीं चाहती, किसी को अंदर बता के देना। कृष्ण बाहर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज मुझे एक बार राधा रानी से मिलने दो। राधा रानी कह रही कि बिल्कुल भी मत आने देना। कृष्ण ने अपना मोर मुकुट उतार के रख दिया, रोने लग गए। अब ये क्या, यहाँ तो राधा रानी को पसंद नहीं आ रहा, कृष्ण को पसंद नहीं आ रहा, तो फिर ये कैसा अनुकूल अनुशीलन है? पर दूसरी तरफ जब चारुक मुष्टिक उसमें रंगशाला में कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं तो कृष्ण को आनंद हो रहा है। बोले क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। बोले दो फाइटर्स लड़ रहे हो आपस में, तू ना आनंद कब आएगा? दोनों एक जोड़ हाथ जोड़ के खड़े हो जाए एक दूसरे के, तब आनंद आएगा। जब दोनों लड़ेंगे तो आनंद आएगा। बोले एक दूसरे से जब वो लड़ेंगे, कॉम्पिटिशन बराबर का होगा, तब उन्हें आनंद आएगा। अब वहां पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? आनंद का आस्वादन कर रहे हैं, वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो वहां पे कृष्ण को आनंद आ रहा है। तो इसी हिसाब से देखें तो रंगशाला में जो कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं चारों मुष्टिक, वो तो भक्त हो गए, और जो ब्रज में राधा रानी है, यशोदा मैया है, ये अभक्त हो गई। तो फिर इसका कैसे कंक्लूजन निकालना? बोले इसीलिए बताया कि अनुकूल अनुशीलन का मतलब ये नहीं होता कि उसके प्रीतिकर होना चाहिए, उसके हितकर होना चाहिए। जिसके लिए हम अनुकूल अनुशीलन कर रहे हैं उस व्यक्ति के वो हित में होना चाहिए। एग्जाम्पल ये प्रभु जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए। एक बच्चा है छोटा सा, उसकी माँ घर में चूहे ज्यादा हो गए तो चूहे मारने की बॉटल लेकर के आई। चूहे मारने की बॉटल जूस की जैसी लगती है, देखने में वाइट वाइट होते, लगता है दूध है कुछ, जैसा कुछ लिक्विड टाइप का होता है। तो बच्चे ने देखी बॉटल, अब बच्चा रो रहा है मुझे वो बॉटल चाहिए। अब यहां पे माँ क्या करेगी? जिन लोगों का ये विचार है कि उसके प्रीतिकर होना चाहिए तो बच्चे को तो बॉटल अच्छी लग रही है, उसी हिसाब से वो बॉटल बच्चे को दे देनी चाहिए। पर वास्तव में क्या वो माँ का ही कर्तव्य हुआ? बोले माँ क्या करेगी उस टाइम? बच्चा रोने लग गया, लोट पोट खा रहा है जमीन पे, मैया मुझे तो वही चाहिए, नहीं मुझे वही चाहिए वही चाहिए, फिर क्या करेगी माँ? दो रख के रही, बोले क्या तुझे देती हूँ बॉटल। बोले लेकिन वहां पे बच्चे को पसंद नहीं आ रहा, तो क्या मैया का वहां प्रेम नहीं है? बोले प्रेम अपने बेटे के लिए मैया की वहां पर प्रेम की चरम सीमा है, उसके हित में करना ही माँ का प्रेम है। वैसे ही मैया यशोदा ने बेशक कृष्ण को उस समय उठा करके बिठा दिया और उस दूध को बचाने के लिए चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैया की कृष्ण से प्रीति नहीं है। मैया दूध को बचाने के लिए क्यों गई? भैया कृष्ण माखन चोरी करने लग गया है, अभी बालक है, अगर से अभी इसी का स्वभाव बिगड़ गया तो आगे जाके क्या बनेगा? डकैत बनेगा, लोग इससे कोई इसका ध्यान नहीं करेगा, लोग इसको ताने मारेंगे, चढ़ाएंगे, इसकी बदनामी होगी, आगे जाकर इसका नाम खराब ना हो, हमारे कुल का नाम खराब ना हो, इसलिए वो क्या कर रही है? दूध को बचा रही है। भैया दूध बन गया, मलाई नहीं जाएगी, फिर मक्खन नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकले फिर बाहर जाएगा। और राधा रानी वहां कृष्ण को क्यों रोक रही है?
राधा रानी कृष्ण को इसलिए रोक रही है कि जब चीज कोई बड़ी आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती, जिसके लिए जिस किसी वस्तु के लिए हम जितना एफर्ट करते हैं ना वो हमें उतनी प्रिय होती है। राधा रानी अगर कृष्ण को एक क्षण भी ना देखे तो उनकी खुद की हालत खराब हो जाती है, खुद ऐसा लगता है कि मैंने कितने जन्मों से कृष्ण को नहीं देखा। अब सेकंड की तो बात छोड़ दो, उनकी जो पलक है जो वो उस झपकने को उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को सृष्टि करने आती नहीं है, उस एक पलक के समय को उन्होंने बताया युगायतन निमिषेण, वो एक कई करोड़ों युग के समान है। अब वो कृष्ण को रोक रही है तो उनपे क्या बीतरी होगी, वो किस लिए कर रही है, ताकि कृष्ण को आनंद बढ़ करके मिले। पर लेकिन जो रंगशाला में कृष्ण युद्ध कर रहे हैं उनसे देखने पे तो लग रहा है कि कृष्ण को आनंद हो रहा है, पर लेकिन उनकी भावना क्या है, बोले आज हम कृष्ण को रंगशाला में ही मार देंगे। तो यहाँ पे अगर हम अनुकूल अनुशीलन का मतलब ये समझे कि कृष्ण के प्रीतिकर होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो जितने भी असुर हैं वो सारे भक्त हो जाएंगे, और जितने भी भक्त वो क्या हो जाएंगे, अभक्त हो जाएंगे। इसलिए अनुकूल अनुशीलन का मतलब ये नहीं है उसके प्रीति करो, उसका मतलब है उसके हित में होना चाहिए, प्रीति में हो ना हो ये बात की बात है। फिर इसके तटस्थ लक्षण में जाते हैं, आया अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? अन्य मतलब कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा ना करना। बोले भाई क्या चाह रहे हो, घर में थे भजन करने आ गए, अब भजन करने आए हैं फिर बोले ये छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, मीट छोड़ दो, चाय छोड़ दो, कहीं ना पकड़ लो, अब बोल रहे हो सारी वस्तुएं छोड़ दो कृष्ण के अलावा, या घर परिवार छोड़ के जंगल में चले गए, चाह क्या रहे हो? अन्य अभिलाषा का शून्य मतलब सारी कृष्ण की जितनी भी अलग अतिरिक्त वस्तु सब छोड़ दो। बोले हमसे नहीं होगी भैया भक्ति, अपनी भक्ति अपने धोर धरो, फिर कैसे करेंगे? बोले सभी बाबा बन जाए जंगलों में जाकर के? बोले नहीं, बोले छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि परित्याग हमेशा अपनी वस्तु का किया जाता है। जगत में कुछ अपनी वस्तु है? बोले क्या प्रमाण है कि जगत में कोई वस्तु हमारी नहीं है? तो मुझे कुछ बता सकता है कि जगत में कितने, अगर वो आप तो सुना होगा, नहीं सुना, अच्छा नहीं सुना फिर मैं बता दूँ, जगत में हमारा इसलिए नहीं है, हम कहते हैं कि मतलब कोई चीज़ हमारी है, तो अगर वो हमारी है तो वो हमें पकड़ के रखेगी, जब जैसे मैं बोलूँ कि आप मेरे हो तो मैं आपको पकड़ के रखूँगा, मगर हम जा रहे होते हैं तो हमें कोई पकड़ ही नहीं पाता, हमने एक्चुअल में सबको पकड़ रखा है, हम बोल रहे हैं कि मैं ये मेरे हैं, मैंने पकड़ रखा है, उनने हमें नहीं पकड़ रखा, क्योंकि जो हम मतलब भगवत धाम जाएंगे या जहाँ भी, तो फिर वो अगर उनने हमें पकड़ रखा है या हमारी तो वो पकड़ ले हमें रोक ले। बिल्कुल एग्जैक्टली, रवि जी ने कहा कि यदि कोई हमारी वस्तु है तो जब हम जाते हैं जगत से तो हमारे साथ जानी चाहिए ना, अगर हमने जम के हमारा घर हमारा बीवी हमारी बच्चे हमारी गाड़ी घोड़ा बंगला सब हमारा, तो ठीक है जब जाते वक्त बोले ये सारा सीन मैं अपने साथ लेके जाऊँ, चिंता पे सबके सब रखो, बोले वो सब तो छोड़ दो, बोले शरीर भी हमारा नहीं है, तो परित्याग तो अपनी वस्तु को क्या, जगत में ना तो कोई अपनी वस्तु है, अपनी वस्तु कोई है? बोले कोई अपनी वस्तु है ना, तो हम उसे अपने भोग के लिए ग्रहण कर सकते हैं ना उसका हम परित्याग कर सकते, क्योंकि अपनी वस्तु वो है ही नहीं, तो बोले फिर क्या करें? बोले अन्य अभिलाषिता, यहां पे एक चीज समझनी होगी, जो ता शब्द है ये स्वभाव को दर्शाता है, जैसे एग्जांपल दिया क्रूरता, दुष्टता, निर्दयीता, अब ये कौन होगा जिसके अंदर क्रूर हो, जो क्रूर होगा क्रूर स्वभाव होगा वही तो क्रूरता कहलाएगा, जो दुष्ट होगा उसी को तो दुष्टता कहेंगे, दुष्टता में से जो दुष्ट व्यक्ति है उसके अंदर से दुष्टता निकाल दो, अब वो क्या दुष्ट बचा? बोले नहीं, वैसे ही यहां पर बताया अन्य अभिलाष बुरा नहीं है, पर लेकिन वो स्वभाव बन जाए वो बुरा है। एग्जाम्पल जैसे अभी यहां से कोई माधवी कथा सुन गए, नीचे गए, किसी बंदर ने उन पर अटैक कर दिया, कुत्ते ने काट दिया, वो हरिनाम कर रही थी, अगर उनके मुंह से ये निकल जाए हे कृष्ण बचाओ,
तो ये दोष है या गुण है? गुण। बोले ये महागुण है। और अगर ये निकल जाए कोई गुण भी बचाओ फिर उत्तरी कोई मम्मी मर गई, ये क्या है? बोले बच्चा जब जो उसको कोई आपत्ति आती किसको बुलाता है? मम्मी, अपनी माँ को। स्वाभाविक तौर पर उसे बुद्धि नहीं लगानी पड़ती मम्मी मुझे बचा लेगी, नहीं, बल्कि कभी कभी मैंने देखा मम्मी पीट रही और मम्मी से बोलता मैं बचाओ। तो वो क्या है? बच्चे का अपनी माँ के लिए स्वाभाविक प्रेम है। बोले वही हमारा होना चाहिए किसके लिए? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, क्योंकि हम सब क्या है? उन्हीं के तो बच्चे हैं। पर हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर वही बच्चा अपनी माँ को छोड़ करके पड़ोस वाली आंटी का नाम ले ले फिर क्या होगा? फिर ये दोष दोष है या महागुण है? बोले दोष है। बोले उसकी प्रीति अपनी माँ से ना होकर पड़ोस वाली आंटी से ज्यादा है। तो वैसे ही यदि हम आपत्ति में भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले वो कोई दोष नहीं है, वो तो महागुण है, क्योंकि हम सब उन्हीं के संतान है। पर हम लोग क्या करते हैं आपत्ति में? इधर उधर जा करके जादू टोना बाबा हाथ दिखा लो, ये कर लो, कुंडली देख लो मेरी, ये हो, वो सब क्या है? मतलब अपने माता पिता को छोड़ करके पड़ोस पड़ोस वाली आंटी में लगे, आंटी जी मेरी ये प्रॉब्लम है, इट्स इक्वल टू देट। तो इसलिए बताया अन्य अभिलाषिता, अगर बुरे समय में हमारे कृष्ण स्मरण हो रहा है वो दोष नहीं है। बोले एग्जाम्पल ये द्रौपदी का। अच्छा द्रौपदी और प्रहलाद में कौन श्रेष्ठ है? प्रहलाद। कितने लोग हैं प्रहलाद वाले हाथ डालो, एक दो तीन, देखो हाथ उठाने में फांसी नहीं दी जा रही है। गलत हाथ उठा लिया तो आ जाओ बाहर सुई भी लटक रही है, इसलिए लटका दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी सही है तो यही बैठे हैं, गलत है तो यही बैठे हैं। कितने वाले हैं प्रहलाद वाले, कितने हाथ उठा लो, कितने लोग हैं द्रौपदी श्रेष्ठ है? द्रौपदी वाले कितने? एक दो तीन चार पांच। मेनली लोग यही देखते, बोले क्यों? कुछ नहीं मांगा, क्योंकि प्रहलाद के पास बचपन में इतनी इतनी मुसीबतें आई, उसने कभी भी भगवान से यही कहा भगवान प्लीज मुझे आगे बचा दो। बोले नहीं, सिर्फ अपने भगवान का नाम लेकर भगवान खुद आगे उनकी हेल्प कर दी। पर द्रौपदी ने थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, हे कृष्ण बचाओ, दुर्वासा के जंगल में आ गए, हे कृष्ण बचाओ, चीरहरण हो रहा, हे कृष्ण बचाओ, मतलब कृष्ण को बैठने नहीं दे रही है, तुरंत कृष्ण आ जाओ, कृष्ण वहां भोजन कर रहे हैं, वहां छप्पन भोग छोड़ करके जंगलों में आ गए, वहां उन्हें कुछ नहीं दिया। तो देखने से क्या लग रहा है कि उनकी द्रौपदी क्या है, वो नीचे और प्रहलाद ऊपर है, पर ऐसा नहीं है। बोले क्यों? बोले साधारण तरह अगर देखें, अगर वास्तविक अगर विचार करें तो ये श्लोक इसी चीज को दिखाने के लिए है। इसी चीज लोग कहीं फ्यूचर में जाकर के ऐसी गलती ना करें कि प्रहलाद को श्रेष्ठ मान लें और द्रौपदी को सोचे कि ये तो इतनी खास है नहीं, तो इसी चीज को बताने के लिए ये श्लोक लिखा है ताकि वास्तविक भक्ति को समझ पाए। लास्ट में क्या आया? भक्ति उत्तम, यानी ये जो श्लोक में जो बताया गया यही भक्ति उत्तम है, इसके अतिरिक्त सब नीचे की वस्तु है। तो बताया द्रौपदी ऊपर कैसे है? बोले साधारण भक्त जो उसके संसार से आसक्ति छूट जाती है तो अपने शरीर की चिंता नहीं करता, खाना पीना भूख प्यास सब मिट जाती है उसकी। अब बोले वो तो द्रौपदी साधारण साक्षात कृष्ण के साथ है, तो उन्हें अपने शरीर की लक्ष्य कैसे हो सकती है? वो कैसे अपने शरीर के लिए कृष्ण को परेशान कर सकती है? बोले हो ही नहीं सकता। बोले उन्होंने ऐसा क्यों करा? इसके दो कारण है। पहला कि कृष्ण के ऊपर सवाल उठ जाएंगे कि जब तुम अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे, कहीं कृष्ण पे आगे जाके लोग सवाल ना उठा दे कि तुम्हारी जो भक्त थी उसकी लाज जो भी होता रहा तुम गए नहीं बचाने के लिए। पहला ये, दूसरा कि कृष्ण जो भक्त वात्सल्यता है उस पर सवाल उठ जाएगा। तो यहां पे उन्होंने अपने लिए नहीं करा, किसके लिए करा? कहीं कृष्ण पे लोग सवाल ना उठा दे, उन्होंने कृष्ण के लिए करा। पर
प्रहलाद महाराज ने नहीं किया, क्यों? क्योंकि अपने लिए नहीं जा रहे थे वहां पे, वो अपने तक सीमित थे। इसलिए तत्व तक विचार करें तो वहां पे द्रौपदी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया, अगर हम बुरे समय में अगर भगवान को पुकारते हैं तो ये दोष नहीं है, ये एक महागुण है। फिर बोला ज्ञान कर्मादि अनावृतम। उसमें देखो, उसमें इस श्लोक में बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताई, यदि इस श्लोक में बहुत अच्छी अच्छी बात समझाने के लिए कोशिश किया। यदि यहाँ पर बताया अन्याय भिड़ा सीता शून्यम, मतलब जो उसको उत्तम भक्ति कहते हैं जिसमें कोई अभिलाषा नहीं हो। अभी उन्होंने जो बताया ना भैया, द्रौपदी तो विपत्ति अवस्था में प्रभु को भी बुलाए, तो इसको बोलेंगे भैया उसका अंदर में अभिलाष है। उसमें जो अन्याय भिड़ा सीता, ये जो ता शब्द, ये संस्कृत भाषा में एक इण प्रत्यय होता है। इन प्रत्यय होकर के संस्कृत का विचार है, इन प्रत्यय होकर के उसमें ता होता है। बोले भैया इन प्रत्यय क्या, इस संस्कृत का विचार। इन प्रत्यय मतलब होता है जब कोई चीज तुम्हारी स्वभाव में बैठ जाए, स्वभाव में बैठ जाए है, तभी ये ता प्रत्यय होता है। हम सही स्थिति में हैं, हम सही स्थिति में हैं, लेकिन हर समय ठाकुर जी हमारी ये विपत्ति आ गई, ठाकुर जी हमें ये दे दो, ठाकुर जी हमें ये दो, ठाकुर जी मकान बना दो, ठाकुर जी दुकान बना दो, ठाकुर जी बेटे को शादी करा दो, ठाकुर जी उसको पास में इतने बढ़िया गाड़ी, अभी हमारे पास में इतने बढ़िया गाड़ी नहीं, ठाकुर जी हमें ये दे दो। तुम स्वभाव में रहते हुए अगर बारंबार भगवान को पुकारोगे ये कर दो ये कर दो, ये दोष है, इसको बताइए दोष है, है? लेकिन हठात अगर कोई विपत्ति आ गई, जैसे द्रौपदी को हठात एक विपत्ति आ गई, दुशासन वस्त्र हरण कर रहा, उसने हठात क्या किया, बहुत तो कोशिश किया, उसने भगवान को नहीं पुकारे, बहुत कोशिश किया है, अपना पतियों की तरफ में भी देखा, बाद में अपना द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म इनको तरफ में देखी, लास्ट में खुद को भी बचाने के लिए कोशिश की, वस्त्र पकड़ कर बहुत कोशिश की, जैसे भगवान को पुकारना ही पड़े, लेकिन जब देखा किसी तरह से अपनी आप को मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, फिर लास्ट में क्या किया, उसने भगवान को हे गोविंद राख शरण अब तक जीवन हरि, हे गोविंद तेरे सिवाय और कोई मेरे को बचाने वाले नहीं, फिर उसने लास्ट में पुकार। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं द्रौपदी ने हठात विपत्ति में, जैसे बताया बंदर हठात में आक्रमण किया, कोई सहारा नहीं, ठाकुर जी बचाओ, अगर मुंह से ये चीज निकल गया, नहीं तो हठात कुछ चोर घर में आ गए, हठात चोर आ गए, ठाकुर जी आप बचाओ, इसमें दोष नहीं, इसमें दोष नहीं, हठात कोई विपत्ति आ पड़ी। उसी तरह यहाँ पर जो बताया अन्याभिलाषीता शून्यम, यहाँ पर अन्याभिलाष नहीं बताया, अन्याभिलाषीता मतलब ये स्वभाव में तुम्हारी नहीं बैठी जाए, हर समय भगवान को विपत्ति में हर समय हमें ये दे दो, हम समय ये दे दो, हर समय ये दोषणीय है, लेकिन हठात विपत्ति में आकर के पुकारना ये दोषणीय नहीं। इसलिए उसके बाद में बताए ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अभी बताए ये जो श्लोक है ना, बहुत बढ़िया श्लोक है, इतने बढ़िया श्लोक है, पुराण में भक्ति की बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है, जैसे अहेतु की अप्रतिहता है, जय आत्मा संप्रसिद्धि, कहते हैं अनन्या ममता भक्ति, ममता प्रेम संगता, भक्ति का क्या लक्षण होनी चाहिए अनन्य रूप में, जैसे ध्रुव प्रहलाद उद्धव ने कहा सा परानुरक्ति ईश्वरे, भगवान के प्रति श्रेष्ठ अनुरक्ति होनी चाहिए, विभिन्न पुराण में भक्ति की बहुत सारी डेफिनेशन दिया। लेकिन ये हमारे से रूप गोस्वामी ये सारे शास्त्रों का सबका सार लेकर के निचोड़ रूप में उन्होंने ऐसे एक भक्ति की डेफिनेशन दी जो एक श्लोक में सारे चीज उन्होंने दे दी। शुद्ध भक्ति कहते हैं किसको, ये अच्छी तरह से इसमें अन्य व्यतिरक रूप में बहुत अच्छे तरह से विचार करते हुए उन्होंने ये श्लोक को विचार में किया है। इसलिए उसमें जो बताए अनुकुलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, भक्ति कैसे होनी चाहिए, कहते भगवान की रोचमाना प्रवृत्ति, मतलब भगवान जिसमें खुश हो, उन्होंने उदाहरण दिया ना, भगवान जो खुश हो उसको भक्ति कहते हैं। लेकिन श्री रूप गोस्वामी फिर यहाँ पर दो शब्द निकाल दिया, बोले कि अव्याप्ति और एक अतिव्याप्ति, उन्होंने एक शब्द उन्होंने निकाला है, अव्याप्ति मतलब है
जिसमें भक्ति के लक्षण दिख नहीं रहे हैं। अति व्याप्ति मतलब जहाँ भक्ति से ज्यादा ही दिख रहा है, भक्ति से ज्यादा ही दिख रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया ना, जैसे चारणों मुष्टि की युद्ध कर रहे हैं कृष्ण को साथ में, वहां पर दिखता है कृष्ण बड़े खुश हो, दाव में दाव, छाती में छाती, बाहु में बाहु लगा करके कृष्ण बहुत खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे लड़ते समय। लेकिन बोले कि भैया ये तो भक्ति है, अगर कृष्ण को रुचमा ना, कृष्ण जिसमें खुश हो अगर भक्ति, यही तो भक्ति दिखता है। दूसरे उदाहरण दिया, मैया कन्या को दूध पिला रही थी चूल्हे में, अभी दूध उफन उफन करके उतर रहा था, मैया जसोदा बोले कन्या तुलसी गोद से उतर जा लाला, दूध उफन रहा है। बोले अभी मेरा आधा पेट भी नहीं भरा, बोले बोले गोद से उतर जा, मेरे को भर पेट खिला करके जा। मैया देखा भैया यहाँ पूत भी उफन रहा है, यहाँ दूध भी उफन रहा है, अभी ये दोनों चीज उफन रहे हैं, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। मैया सोच रही है, देखो मेरे स्तन में जो दूध है कृष्ण कभी भी तो पी सकता है, कभी भी पी सकता मेरे स्तन में कभी, लेकिन अगर ये दूध उफन करके अगर गिर गया, कहते एक लाला का अमंगल होगा, और दूसरे जो उफन करके गिर जाएगा ना, उससे ही मलाई बनती है, उससे मलाई बनती है, और वही मलाई से बनती है मक्खन। फिर तो कन्या हाँ मिनट मिनट में भूख लगता है, मैया मेरे को मक्खन खिलाए, मैया मेरे को मक्खन खिलाओ, फिर लाला को मक्खन घास खिलाओ है। स्तन में दूध तो कभी मैं पिला सकती हूँ, लेकिन वो तो फिर रखा नहीं होगा। इसलिए मैया ने कृष्ण को जोर जबरदस्ती वहां बैठा दिया, और कृष्ण रो रहे, कृष्ण रो रहे, मैया मेरे पेट नहीं भरा, मैया मेरे को, लेकिन जा रहे हैं दूध रखा करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या दिखती है, ये भक्ति नहीं लगता है, भक्ति नहीं, क्यों कृष्ण रो रहे ना। अगर कृष्ण की रुचमा ना, कृष्ण जिसमें खुश हो अगर भक्ति बोले तो भैया याद दिखता है जैसे कृष्ण रो रहे, और वहाँ चारणों मुष्टि को साथ में दिख रहा है कृष्ण तो खुश है, फिर उसको भक्ति बोले, इसको भक्ति मत कहा करो। फिर उन्होंने बताया नहीं, एक अतिव्याप्ति और इसमें अव्याप्ति, उसमें उन्होंने दो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, यहाँ भक्ति दिखता है वहां पर भक्ति नहीं दिखती है, और वहां पर दिखती है भक्ति से जैसे बहुत ज्यादा दिखता है। अरे नहीं बोले, फिर इसको भक्ति किसको कहेंगे, बोले यहाँ कृष्ण रोने पर भी यहाँ पर भक्ति बोलोगे, वहां पर कृष्ण खुश युद्ध कर रहे हैं चारों मुष्टि को साथ में, लेकिन चारों मुष्टि का भावना किया, मौका मिले ना एकदम पीस डालू, मौका मिले ना छक्का छुड़ा दो इनकी, हृदय में भावना किया कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन यहाँ मैया के हृदय में भावना किया लाला की हित के लिए। इसलिए यहाँ पर बताए भगवान की भक्ति जो है ना, भगवान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है भक्त के ऊपर। ये भक्त की भावना किया है, भक्त क्या सोच रहा है, इसको ऊपर भगवान ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसलिए मैया जसोदा की जो भावना लाला की अच्छे के लिए, भले ही कृष्ण रो रहा है लेकिन वहां पर लाला की अच्छे के लिए, लेकिन वहां पर चारों पुष्टि अच्छे के लिए नहीं, उनको मारने के लिए। इसलिए यहाँ पर बताए भैया, इसलिए अव्याप्ति और अतिव्याप्ति उन्होंने ये दो शब्द को उन्होंने प्रयोग किया। फिर बोले ज्ञान कर्मादि अनावृत, अभी प्रभु जी बताएंगे, ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। अगर ये एक श्लोक आप अच्छे तरह समझ जाओगे ना, भैया भक्ति कहते हैं किसको, फिर आपका दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप शुद्ध भक्ति कर सकते हो, नहीं तो जो भक्ति करेंगे ना सब खिचड़ी भक्ति, सब खिचड़ी भक्ति, सब खिचड़ी भक्ति, आज इसको कर दिया, कल उसको कर दिया, कल उसको कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कभी ज्ञान में, कभी कर्म में, कभी योग में, कभी भोग में जा रहे, नहीं। हम शुद्ध भक्त कैसे भगवान को बन पाए, जैसे प्रहलाद महाराज बने, जैसे हमारी रूप गोस्वामी बने, जैसे ध्रुव महाराज बने, जैसे श्री अम्बरीश महाराज, जैसे हनुमान जी, जैसे गोपियाँ, जैसे श्री पांडव लोग, कैसे हम जीवन में अच्छे शुद्ध भक्त बन पाए। इसलिए उन्होंने ये श्लोक को उन्होंने उत्थापन किया है। अभी दो शब्द प्रयोग करेंगे, ज्ञान कर्मात्य अनावृतम, ये क्या चीज़ आप अच्छे तरह समझे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बताया ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, यहाँ पे शून्य नहीं बोला, यहाँ बोला अनावृतम, यानी कि एग्जांपल देते हैं, एक औरत पल्ला करके जा रही है, वो पल्ला कब तक सेफ है, तो किसके सर, जब तक वो सर पे है, यानी जब तक उसे दिखाई पड़ रहा है उस पल्ले के आगे, पर वही पल्ला जब उसके पूरे मुंह के आगे आ जाए, अब वो क्या बन जाएगा, बाधा, उसके लिए बाधा बन जाएगा, देखेगा नहीं आगे पत्थर नीचे,
तो बोला ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म की जरूरत है पर कितना, जितनी मात्रा में हमें सहायक हो, उतना नहीं कि पूरा का पूरा उसी में घुस जाओ। बोले नहीं, बताया कि कर्म, कर्म से भक्ति कैसे ढकती है, जो कर्म है उससे, बल्कि अगर हम देखें तो भगवान ने गीता में लोग बोलते हैं पर ऐसा है नहीं, लोग बोलते हैं कि भगवान ने गीता में तो कर्म का उपदेश दिया है कि कर्म करो, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कर्म से भक्ति ढकती है। बोले फिर इसका कैसे करें? बोले कि कर्म से भक्ति दो तरीके से ढकती है, पहला लोभ और दूसरा भय। बोले भय से कैसे ढकती है? पहले भक्ति में आने से पहले हम हर किसी के घर में कोई कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, कुलदेवी होती हो या कुलदेवता होते हैं सबके घर में, पर कृष्ण भजन करने के बाद उन्हें पता चला कि भैया एकमात्र आराध्य कौन है, सिर्फ कृष्ण, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अब सब छोड़ छाड़ के वो कृष्ण भजन करते हैं, पर लेकिन अब उनके घर, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के जीवन में कोई आपत्ति ना आए, मतलब ये कहीं नहीं लिखा है कृष्ण भजन करने से हमारी सारी आपत्तियां खत्म हो जाएंगी, मतलब आनी बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा, बल्कि देखा जाता है कृष्ण भजन करते हैं उस पर ज्यादा आती है। इसका बाद में कल निकालेंगे क्यों आती है। तो बोले फिर क्या करें? बोले अब जो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अरे भक्ति करेंगे तो अगर थोड़ी बाधा से आ जाए, अरे हमने ऐसे कर दिया इसीलिए ऐसे हो गया, भगवान जब अपना प्रेम को देते हैं ना ठोक पीट करके देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। जैसे तुम आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, लेकिन बिजनेस में बढ़िया बिजनेस, आपका तीन चार बच्चे हैं, अभी ट्रेजरी का जो चाबी काटी सब बच्चों को थोड़ी आप दे दोगे, जो दिन भर शराब पी कर पड़ा रहता है, उल्टा पुल्टा संगत में घूमता है, उसको थोड़ी आप चाबी काटी दे दो, किसको दोगे? जो जिसका नेचर सही है, पैसा को बर्बाद नहीं करता है, अगर उसको दोगे पैसा को दो गुना को चार गुना बनाएगा, उसी बच्चों को हाथ में दोगे ना, सबको हाथ में तो नहीं दे दोगे, चाबी काटी तू ले ले, ये तो पूरा के पूरा फूंकेगा। उसी तरह भगवान जो अपना प्रेम देना चाहेंगे वो थोड़ी सी विचार करके देंगे। जैसे देखो, जैसे सुदामा जी पहले उनको नहीं दिया है, पहले उनको नहीं दिया, लेकिन बाद में इतना दिया जो सोच नहीं सकते, जो सोच नहीं सकते उसको उन्होंने इतना दिया, सोने की राजमहल बना दी ठाकुर जी, सोने की, अब पत्नी राज रानी बन गई। सुदामा जब देखा वो अंदर में जाना नहीं चाह रहा है, बोले क्यों? बोले प्रभु माया में फंस जाऊंगा, मैं माया में फंस जाऊंगा, इतना देखो भक्तों को देने पर भी लेना नहीं चाह रहे हैं, सारा दुनिया उसके लिए बिलबिला रहे हैं, हमें रुपया पैसा धन दौलत बिलबिला रहे हैं, हम मिले लेकिन ठाकुर सोने की महल और हजार हजार दास दासियां जिस घर में काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय सुदामा बोले प्रभु माया में मेरे को मत फंसाएंगे, मैं फंस जाऊंगा। भगवान ने बोले देखो माया में तुम नहीं फंसोगे बेटा, माया में तुम नहीं फंसोगे, मेरा आशीर्वाद। बोले प्रभु तभी ये महल में प्रवेश करूंगा अगर मेरे साथ में आप रहोगे, नहीं तो ये माया मेरे को ग्रास कर लेगा, क्योंकि ज्यादा धन दौलत संपत्ति हो जाए ना वो धरा के सरा ज्ञान करना शुरू कर देते हैं, जितने सारे गंदी चीज वहीं पर शुरू हो जाती है, पीना पीना खाना सारे गंदी चीज वहीं शुरू हो जाती है माया। इसलिए कुंती विपत्ति प्रभु से मांगी, प्रभु मेरे को विपत्ति दो, संपत्ति से भूल जाते हैं तेरे को, हमें विपत्ति दे दो। है ठाकुर जी देते हैं, ठाकुर जी फिर एक स्वरूप में रहे, अभी भी जाओगे ना सुदामा महल में ठाकुर जी को देखोगे, ठाकुर अभी सुदामा जी घर में अभी भी ठाकुर जी है, हाँ अभी ठाकुर जी है। इसलिए ठाकुर देते नहीं, देते हैं, कहते ना भगवान जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं, लेकिन तभी देते हैं जब इसको ये हजम कर पाएगा, हाँ जब ये चीज को हजम कर पाएगा, इतना देंगे। देखो जितने भगवान के भक्त देखो, ध्रुव महाराज राजा नहीं महाराज, प्रहलाद राजा नहीं महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, जितने कृष्ण भक्त देखोगे ना राजा नहीं है, ये कौन है? महाराज, महाराज है सबके सब। युधिष्ठिर महाराज को दिया, कब दिया उन्होंने? पहले ठोक पीट करके उन्होंने अच्छे तरह से उन्होंने परीक्षा कर ली, अच्छे तरह से उनको परीक्षा कर लिया, जीवन में दुख दुख दे करके, जैसे कुम्हार होता है ना, देखो लोहे को कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, पहले आग में देगा, जब लाल हो जाएगा ना निकालेगा, फूक मारे पीटेगा, पीट पीट इसको से खाद में निकालेगा, फिर पानी में देगा, पानी में देकर फिर आग में देगा, फिर जब लाल हो जाएगा फिर निकालेगा,
फिर निकल खूब पिटेगा खूब पिटेगा, पीट पीट करके फिर देगा पानी में, इतना सख्त बना देता है लोहे लोहे को काट देता है। देखेगी नहीं लोहे लोहे को काट देती है। इसलिए ठाकुर जब देते हैं ना छप्पर फाड़ कर देते, डरने नहीं जा रही कृष्ण भजन करेंगे तो ये नहीं हो जाए ये नहीं हो जाए ये नहीं हो जाए, इसे डरनी नहीं चाहिए। जब देंगे ठाकुर जी छप्पर फाड़ करेंगे, लेकिन तभी देंगे जब तुम अच्छे तरह से हजम कर पाओगे, उसको देख करके हजम कर पाओगे। अगर अभिमान मान प्रतिष्ठा अभिमान आ गया फिर तो उसमें डूब जाओगे, फिर ना फिर उसमें डूब जाओगे। इसलिए ठाकुर जी देते हैं, लेकिन डर नहीं चाहिए। हरे कृष्ण भक्ति करने से कोई विपत्ति आ गई तो अरे हमने ये इसको छोड़ दिया इनको पूजा इसलिए विपत्ति आ गई, नहीं। ठाकुर जी परीक्षा करके हर चीज देते हैं, ठीक है ना, परीक्षा करके देते हैं। बताया अब जैसे वो परिस्थिति है भजन करना शुरू करो उस पर हर किसी पे आती है, ऐसा नहीं भजन निकलोगे तो नहीं आएगी, भजन करोगे तो ज्यादा आएगी, करो ना करो दुख तो आएगी ही आएगी। अब जो दुख आते हैं वो क्या सोचता है, मैंने अपने कुल देवता छोड़ दिए ना कृष्ण पकड़ लिए इसलिए मेरे को दुख दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है वो भय दिखाई दे रहा है। अब ऐसे करते करते एक दिन क्या हो कृष्ण तो गए वापस से यूटर्न मार के कुल देवता, तो भक्ति छूट गई। तो कर्म से एक भय छूटी, दूसरा लोभ। लोभ इसीलिए भक्ति में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जो भी हम अपने संसार की विषय वस्तु जितना भी कुछ कर रहे हैं जगत के लोगों के लिए, वो डाइवर्ट करके किसके लिए करनी है, कृष्ण के लिए। बोले बता दे ना घर में झाड़ू लगा रहे किस लिए लगा रहे, भाई कृष्ण का घर है। रसोई बना रहे किस लिए बना रहे, ठाकुर जी प्रसाद पाएंगे। पैसा कमाने जा रहे किस लिए जा रहे, भैया जो मेरे घर में भर जितने परिजन है सब कृष्ण की देन है, उनका लालन पालन करना किसकी सेवा हुई, एक तरीके से कृष्ण की सेवा हुई, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अब वो क्या सोचता है, अगर मैं दान करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी, अगर मैं यज्ञ करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी, अगर मैं पुण्य कर्म करूंगा तीर्थ जाऊंगा स्नान करूंगा तो क्या होगा मेरी भक्ति बढ़ेगी। बोले नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये सब क्या रिलेटेड है कर्म से। दान यज्ञ पुण्य तीर्थ स्नान ये सब किस लिए है, कर्म से। इनका एक तरीके से फल मिलेगा, फल मिल करके जब फल मिल जाएगा तो उसका पुण्य खत्म। भक्ति आत्मा की वस्तु है, जो स्वभाव है सेवा का वो आत्मा का स्वभाव है, और जो कर्म है वो शरीर से रिलेटेड है। भोग मिलेगा संसार सुख प्राप्ति होगी उसके बाद फिर खत्म। तो यहां तुमने भक्ति को कर्म के बराबर मान लिया, मतलब जो बेनिफिट जो फल हमें मिलेगा दान पुण्य करके वही मिलेगा भक्ति कर करके। बोले ऐसा नहीं है, भक्ति तो मतलब आसमान और कर्म है जमीन, इतना अंतर है भक्ति और कर्म में। कर्म की हर वस्तु इस जगत में छूट जाएगी पर भक्ति किसी भी योनि में चले जाए हमारे साथ जाएगी। बोले एग्जांपल, बोले भरत महाराज हिरण की योनि में जाने के बाद भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान पिछले जन्म में मेरी जो आसक्ति की जो मेरी प्रॉब्लम थी मतलब जो मुझे हिरण में आसक्ति हो गई थी, आने वाले जन्म में ऐसा मेरा ना हो, इसलिए उन्होंने आगे जन्म में किसी से बात ही नहीं करी। हिरण की योनि में भी वो भजन कर रहे हैं। फिर दूसरा गजानन गजेंद्र 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 मोक्ष ना, हाँ वो जो हाथी था गजेंद्र। बताइए हाथी को सबसे मूड योनि माना जाता है, मतलब मस्त है ठीक है नहीं है तो भी ठीक है, पर लेकिन उस योनि में भी वो क्या कर रहे हैं भजन कर रहे। बोले कब, जब मगरमच्छ उनको पैर पकड़ करके हाथी के तालाब में खींच रहा है, मरने की स्टेज पे कमल का फूल दिखा अपनी सूंड में उठाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरी रक्षा करो। तो बोले भक्ति किसी भी योनि में चले जाओ खत्म नहीं होगी। अब अगर कल को कुत्ते योनि में चले गए आप घर पे आके क्लेम कर सकते हो ये घर मेरा था, बोले कमर में मारे डंडा अपाहिज करके और रोड में फेंक देंगे। पर लेकिन भक्ति कुत्ते ही योनि में चले जाएगी पर वहां पर भी कृष्ण स्मरण होगा। इसीलिए बताया गया ज्ञान और कर्म, कर्म उतना करो जितना की भक्ति में बाधा ना बने। देखो ये जो श्लोक में बताया ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उनने ज्ञान कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं बताया, उसको द्वारा ढकनी नहीं चाहिए। ढकनी नहीं चाहिए मतलब क्या, हम संसार में जो कुछ करते कर्म, सब कुछ कर्म है, कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते। सब जैसे घर में झाड़ू लगाने के भी कर्म है,
रसोई बनाना ये भी कर्म है, स्नान करना ये भी कर्म, सब कुछ कर्म है। कहते उन्होंने कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं बताया, उन्हें नहीं बताया क्या करा, कर्म को द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा, श्वास लेना भी कर्म है, खाना भी कर्म, ये सब कर्म है। लेकिन जो कर्म है बोले भैया कर्म को द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, मतलब क्या है? कहते ये जो कर्म है किसके लिए होनी चाहिए? बोले ठाकुर जी के लिए कर्म होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचारित। हे अर्जुन कर्म करो, कर्म करो, कर्म के बगैर कुछ होगा नहीं। लेकिन कर्म किसके लिए? ठाकुर जी के लिए करो कर्म, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में कहते हैं बोले प्रभु कब तक ये संसार माया है? बोले तब तक ये संसार माया है जब तक तेरे लिए नहीं करते। लेकिन जब तेरे लिए करते नहीं, माया नहीं, ये तो भगवान का मंदिर है, ये भगवान का धाम है, भगवान की धाम है। इसलिए ये कर्म को द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, मतलब मैं और मेरा पर रख कर कर्म नहीं करनी चाहिए। मैं कौन हूँ? भगवान का सेवक हूँ। और जो मेरे जो वस्तु किसका? बोले ठाकुर के पास हो गया, भक्ति हो गया, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करने का, सब कुछ ठाकुर ने दिया। अरे मैं ठाकुर का सब कुछ ठाकुर का पास हो गया। इसलिए यहाँ पर कर्म को तो ढकने के लिए नहीं बताया, छोड़ने के लिए नहीं बताया, कर्म के ऊपर तो रह नहीं सकते। लेकिन ये कर्म क्या करो? भगवान के लिए ज्ञान। भैया अभी जो कथा सुन रहे हैं अभी तक ज्ञान है, लेकिन एक और एक ब्रह्म ज्ञान है। जो जीव लास्ट में अपना सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में एक लीन कर देना चाहते हैं, लास्ट में क्या तुम्हारे लग गया, हम जा करके ये जीवात्मा को परमात्मा में लीन कर देंगे, भैया ये ज्ञान को तरह भक्ति ढक जाए, इससे भक्ति खत्म हो जाती, इसको तरह भक्ति बढ़ती नहीं। इसलिए ये ज्ञान को त्याग करने के लिए बताए। लेकिन जो तत्व ज्ञान जैसे कथा सुन रहे हैं, ज्ञान है तो ज्ञान ही ना, लेकिन ये ज्ञान क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति को मदद कर रहे हैं। इसलिए बताए तीन तरह का भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। बोले कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं? बोले भक्ति तो करता है लेकिन जामा डोसा है, अभी भक्ति में पक्के नहीं, कभी करता कभी छोड़ देता है, कभी माला कर लेगा भजन कर लिया कभी छोड़ देगा, कभी कनिष्ठ। बोले मध्यम भक्त कौन है? बोले मध्यम भक्त वो है दूसरों को तो समझा नहीं पाता है लेकिन अपना भक्ति को ठीक से कर लेता है, अपना नाम हरि नाम, ठाकुर को पूजा सेवा, तुलसी परिक्रमा, ठाकुर जी को भोग लगाना, अपना जो भक्ति को वो ठीक से कर लेता है लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकता है। बोले उत्तम भक्त कौन है? बोले हुए ही जो स्वयं भक्त तो कर लेते हैं, स्वयं भक्ति तो कर लेते हैं और दूसरों को भी समझा करके भगवान को नहीं भक्ति किया है, भक्ति और भक्ति कहते किसको, ये सब चीज को अच्छे तरह से समझा करके दूसरों को भी भजन में लगा देते हैं, उत्तम भक्त है जो स्वयं भक्ति कर ले और दूसरों को भी भक्ति में लगा दे, वो उत्तम भक्त कहते हैं। बोले भैया अभी तक ज्ञान, अभी तो जितनी कथा कर सब ज्ञान है ना, लेकिन ये ज्ञान को छोड़ने के लिए नहीं बताया, ये क्यों? ये जो ज्ञान है जो भक्ति में अनुकूल रूप में मदद करने वाला ज्ञान है, हमारी भक्ति को जो बढ़ाने वाले ज्ञान है, इसको छोड़ने के लिए नहीं बताया। इसलिए कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। बोले उत्तम भक्ति कब होगी? बोले राम का भक्ति भी भक्ति है, नारायण का भक्ति भी भक्ति है, हैं? और श्री वामन देव को जो भक्ति करते भक्ति, लेकिन कहते वो उत्तमा भक्ति नहीं। लेकिन उत्तमा भक्ति कब होगा? जब केवल एकनिष्ठ होकर के कृष्ण को एकनिष्ठ होकर भक्ति करोगे तभी ये उत्तमा भक्ति होगी, तभी ये उत्तमा भक्ति होगी, क्योंकि कृष्ण के अंदर में माधुर्य सौंदर्य जो रस है वो पूर्ण रूप में कृष्ण में है। जैसे आप राम को भक्ति करो आपको तो आनंद मिलेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति में जो रस है ना, जैसे राम का भी कोई सखा है, ये चीज को अच्छी तरह समझो, राम का भी कोई सखा है लेकिन रामचंद्र उसको सखिया रस पूर्ण नहीं दे सकते। बोले क्यों? जैसे राम जो बैठते है ना, उनकी जैसे सुग्रीव है, उनकी सखा विभीषण है और ये सब सखा है, लेकिन कृष्ण जिस आसन पर बैठते वो दूर में अलग आसन पर बैठे, लेकिन कृष्ण भक्ति देखो, अगर कृष्ण कहीं बैठा हुआ आसन पर ताम वसुता में आ जाएगा ना, वो दूर में नहीं उसको बगल में जाकर बैठ जाएगा, हट कर तो पूरा जगह ले लेंगे। अभी जैसे कृष्णा कोई फल खा रहे थे, सखा कोई फल खा रहे, बोले कन्या तू अकेला खाएगा, मेरे को नहीं दोगे? नहीं तो सखा को कोई फल मीठा फल मिला, सखा अगर बोल दिया भैया फल बड़ा मीठा है,
कन्या क्या बोलेगा, अपने सारे अकेले खाओगे, मेरे को नहीं कहोगे। वो खा चुके हैं बास, वहां से छीन करके उन्होंने फल खा लिया। देखो ये जो सख्य रस मतलब है, एक दोस्त दोस्त को साथ में कैसे व्यवहार कह रहे, अरे तू कहाँ गया था, हाथ बगल में हाथ दे करके ऐसे करते ना जो सखा। लेकिन राम के सखा लोग तो है लेकिन ऐसे भक्ति कर ही नहीं सकते। क्यों? वो सख्य रस में मर जाता है, उनको पता ही भैया भगवान है, इसलिए पूर्ण सख्य रस नहीं। बात से रस को देखो, जैसे हमारे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, इसलिए जब भगवान प्रकट हुए ना उन्हें चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी दर्शन दिए थे, इसलिए कौशल्या को पता जितने भी राम मेरे लाला थे, लाला होने पर ना ही भगवान है। इसलिए कभी आपने सुने नहीं होगी कौशल्या अगर कभी राम कभी नखट कर लिया, कभी कान पकड़ लिया, कभी सुने हो कभी कन्हैया को बांध डाल, कभी सुने हो कभी कन्हैया डर से बोले मैया बोले मेरी माखन खाए, कभी बोले नहीं। लेकिन कृष्ण लीला में देखो, अगर कृष्ण मिट्टी खाए ना, मैया को पता चला सीधा कान और कहीं नहीं पकड़ी। जैसे तो माँ बच्चे अगर थोड़ी नटखट कर, मैया क्या करती, कान पकड़ देती ना, तुमने ऐसे क्यों दुष्टता की, डंडा दिखाती, थप्पड़ भी मारती। लेकिन ये देखो कि कृष्ण लीला में कृष्ण जब मक्खन चोरी की, मैया ने क्या की, उखल में बांध देती उसको। क्यों? मेरे लाला ने मेरे कोख से जन्म लिया, मेरा अधिकार, इसको अगर मैं शासन नहीं करूंगी तो बड़ा बनकर दुष्ट बन जाएगा। इसलिए जैसे एक स्वाभाविक रूप में कि माँ एक बच्चे की हित कामना सोचती है, शासन करती है, उसको प्यार करती है, केवल ये मैया में ही, मैया जसोदा में ही ये चीज देखती। पूर्ण बात चल रही मधुर रस में देखो, जैसे सीता है, जब धोबी ने बताया मैं थोड़ी राम हूँ, रावण सीता को उठा करके ले गया, एक साल तक रखा, राम आया तो बराबर आसन दे दिया। भगवान राम ने क्या किया, सीता को चिरकाल के लिए वन में त्याग दे, चिरकाल में उसको त्याग दे दिया। लेकिन ब्रज में देखो, ब्रज में देखो, इसलिए अगर कभी कृष्ण बोले ना निकल जा, बोले मैं निकल तू ही निकल जाएगा। कृष्ण को निकाल देते हैं, अभी सुन रहे ना प्रभु जी बोल रहे थे, राधा रानी मान कर ली, कृष्ण अभी उनको मनाने के लिए आए, राधा रानी दो सखी को कुंजों के सामने खड़ी कर दी, बोले आज भी कोई काले चीज देखना नहीं चाहता, जितने काले से हैं, देखो तुम्हारी जो भ्रूर है ना ये भी काली, इसमें चंदन लगाकर इसको भी सफेद कर दो, तुम्हारी चोटी भी काली, फूलों की माला से चोटी को सफेद कर दो, कोई काले व्यक्ति को यहाँ अंदर में आने मत दो, कहाँ अपराध पर परम ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म ये अपराध पर तत्व, उनको राधा रानी उनको कुंज के बाहर खड़े कर देती है। और कृष्ण मनाने के लिए राधा जी के चरण में गिर जाते हैं, बोले राधे कभी गिरिराज उठाने के लिए मेरे को जितने माता जी वहीं पर बैठो, वो वहीं बैठो, इसलिए कहती है गिरिराज उठाने के लिए मेरे को जितने ताकत नहीं लगी, ये अगासुर बकासुर को मारने के लिए जितने ताकत मेरे को नहीं लगी, अगर राधा रानी मान कर लेती है ना, पता नहीं मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, हाँ कितने ताकत लगाना पड़ता है इनकी। अब संसार में देखो, जैसे पत्नी मान कर ली, पति मनाता क्या नहीं, भाई जो हो गया छोड़ दे, तेरे पाँव पड़ता हूँ भैया तो मान जा, रोसी बना दे रोटी तो बना दे, कभी बोलती है ना, कभी बोलती है, इसलिए कहते उसी तरह अगर राधा रानी कभी मान कर ली ना, श्याम सुंदर जी उनको श्याम सुंदर जी मनाते। स्वाभाविक रूप में जो रस है वो कृष्ण ही पूर्ण रूप में दे सकते, राम भी नहीं दे सकते, नरसिंह भी नहीं दे सकते, कोई अवतार नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पर बताए कृष्णानुशीलनम, जो कृष्ण को भक्ति करते हैं वही पूर्ण रूप में भक्ति की चरम सीमा, बल्कि केवल कृष्ण नहीं बल्कि कृष्णा, यहाँ शब्द आया ना कृष्णा, बल्कि कृष्णा मतलब राधा, राधा कृष्ण मतलब कृष्ण, इसलिए कृष्ण श्याम है, राधा जी का एक नाम श्यामा, कृष्ण श्याम राधा जी का एक नाम श्यामा, कृष्ण का नाम कृष्ण, बोले कृष्णा कौन है किसकी, कृष्ण भक्ति तो उत्तम है, लेकिन कहते भैया सर्वोत्तम भक्ति किसकी भक्ति, बोले जो राधा जी की अनुगत्य में श्री श्याम सुंदर को उपासना करती है, जो जुगल उपासना करते हैं राधा कृष्ण की भक्ति करती है, कहते ये जो भक्ति है ना कहते सर्वश्रेष्ठ भक्ति, ये उत्तमा भक्ति राधा जी को साथ में विशेष करके राधा जी की पथ्य में लेकर के जो कृष्ण भक्ति, इसलिए कृष्ण का तीन तरह का सखी है, एक तटस्थ एक स्वपक्ष और एक विपक्ष, इसी को समझो, बोले तटस्थ मतलब क्या,
जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और राधा जी को प्रेम करते हैं। बोले विपक्ष क्या, जो केवल कृष्ण को मानते हैं। बोले सपक्ष क्या, बोले जो केवल राधा जी को ही मानते हैं, वो सपक्ष है। मतलब जो राधा पक्ष को लेकर के राधा जी की आनुगत्य में जब श्याम सुंदर को भक्ति करते हैं ना, कहते भक्ति सर्वोत्तम भक्ति यही भक्ति। इसलिए यहाँ पर बताए सर्वोत्तम भक्ति क्या, जो राधा कृष्ण की जुगली उपासना करे और विशेष करके राधा पक्ष को लेकर के श्याम सुंदर को भक्ति करते, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति। इसलिए ये भक्ति की पूरा उसमें डेफिनेशन दिया। ठीक है, बोले श्री वृंदावन कीर्तन कर देता है। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 I'm gonna go get some more.
ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का चरणों अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि नमन प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ हरिनाम की महिमा या भजन क्यों करना चाहिए, इस विषय में कुछ एक बात बताएं। देखो कलम बस में आ रहे थे, कलम बस में आ रहे थे तो हम तीन लोग आ रहे थे, वो दामोदर प्रभु एक एक गजेंद्र प्रभु, हम बस में नोएडा से इधर आ रहे थे एटा। तो जब आ रहे थे तो मैंने सबके लिए प्रसाद बनाया, मैंने सोचा कि बस में खा लेंगे, अब बिना लहसुन प्याज का तो मिलेगा नहीं। मैंने प्रसाद बनाया, सुबह उठा दो घंटा लगा करके खूब सारी पूड़ी आलू की सब्जी सब बनाया और भोग भी लगा दिया और खाया नहीं, ले करके मैं आ गया। लेकर के आया जब बस में खोला तो उसमें नमक ही नहीं था। कितनी मेहनत करी, दो घंटा लगाया, पूरा पूड़ी पूरा पसीने पसीने ठंड में हो गया, लेकिन उसमें नमक ही नहीं था। सिर्फ एक इतना सा नमक नहीं होने से पूरी की पूरी जो मेहनत थी ना वो जीरो हो गई। इसलिए हमारा जीवन भी बहुत कुछ होगा, हाँ बहुत अच्छी विद्या हो सकता है, बहुत पढ़े लिखे हो सकता है, हमारे पास बहुत पैसा हो, हाँ हो सकता है हम बहुत सुंदर हो सकता है हमारा बहुत बड़ा परिवार हो, लेकिन अगर एक चीज उसके अंदर नहीं है भगवान का भजन भक्ति तो सब जीरो। देखो मीरा भाई क्या बोली, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना करती को बोली, भजन के बिना नर फीको फीका, जैसे वो खाने में सब कुछ था लेकिन क्या नहीं था, नमक नहीं था। ऐसे हमारे जीवन में अगर भजन नहीं है तो सब फीका। देखो आजकल क्या है, आजकल ये चलता, देखो मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। बच्चे जब छोटे होते ना स्कूल में जाते, स्कूल में जाते फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, बच्चे बड़े मजे करते है ना, सबके हम लोग भी थे। देखो छोटे छोटे बच्चे बैठे, आप लोग कौन सी क्लास में, एट। देखो छोटे छोटे बच्चे, हम भी जाते थे स्कूल, स्कूल जाते जाते ना, लेकिन हमारे समय पे फिफ्थ क्लास बोर्ड होती थी, आपके समय पे शायद होती होगी जो पुराने लोग। तो जो माता पिता होते थे ना वो बोलते थे कि अब तक जो मजे कर लिए कर लिए, अब आ गई है फिफ्थ बोर्ड, पेपर बाहर से आएगा सब पता चल जाएगा। बोला अगर ये फिफ्थ बोर्ड पास कर लिया ना अच्छे नंबरों से तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हमने सोचा सच में कोई विशेष बात है फिफ्थ बोर्ड में, हमने खूब मन लगाकर पढ़ाई करी, फिफ्थ बोर्ड पास हो गई। हाँ बोला फिफ्थ बोर्ड जो थी ना
वो तो छोटी सी बोर्ड थी, वो तो हम यूं ही बोल रहे थे। अब आ गई है एट्थ बोर्ड। बोला एट्थ बोर्ड जब अच्छे से पास करोगे ना तब जाके बात बनेगी। एट्थ बोर्ड भी पास कर ली। फिर बोले फिफ्थ एट छोटे छोटे बच्चे क्लास ए छोटे बच्चे। अब आएगी टेंथ बोर्ड। टेंथ बोर्ड मतलब पेपर बाहर से आएगा और टेंथ की जो मार्कशीट है वो जीवन भर चलेगी क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। बोला टेंथ की मार्कशीट जीवन भर चलेगी इसलिए इसमें अच्छे नंबर लाओगे जिंदगी भर अच्छे नंबर देखोगे और इसके बाद सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। अगर अच्छे नंबर लाओगे तभी साइंस मिलेगा तभी कॉमर्स मिलेगा वरना फिर आर्ट्स लेना पड़ेगा। ठीक है ये बात होती है कि नहीं होती है। टेंथ बोर्ड हो जाती है फिर उसमें जाकर कोई साइंस लेता है कोई कॉमर्स लेता है फिर बोलते हैं ये टेंथ भी छोटी क्लास है वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए एक सिर्फ मार्कशीट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए। ट्वेल्थ क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्वेल्थ बोर्ड अच्छे नंबर से पास करोगे तब कॉलेज मिलेगा तब जाके तुम्हारा जीवन सफल होगा। वो ट्वेल्थ बोर्ड भी पास कर लिया। बोला ट्वेल्थ बोर्ड दुनिया देती है एंट्रेंस एग्जाम पास करो IIT AIPMT IEEE NET क्या क्या दुनिया भर के एग्जाम्स। बोला ये पास करो तब जाकर के अच्छा कॉलेज मिलेगा अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करोगे तब जाकर तुम्हारा जीवन सफल होगा। वो कॉलेज में भी मैं तो मेरी कथाएं सुना रहा हूँ मैं किसी और की नहीं बता रहा मैं मेरे का। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग में एडमिशन ले करके इंजीनियरिंग भी कर लिया। उसके बाद बोलते हैं कि इंजीनियरिंग तो सारी दुनिया देखो जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं जब तक अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा जब तक कोई तुम्हारी जिंदगी सफल नहीं होगी। अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए। अब अच्छा प्लेसमेंट भी हो गया नौकरी भी लग गई पैसा भी कमाने लग गए। बोलता पैसा तो दुनिया कमाती है शादी करो। बोला जब तक शादी नहीं करोगे सुखी नहीं होगे। अच्छा ये सब ये जो जितनी बातें चल रही क्यों चल रही है सुखी करने के लिए। पांचवी पास कर लो सुखी हो जाओगे गंगा नहा लिए। दसवीं पास कर ली मतलब तो गंगा नहा लिया और जीवन में कुछ करना नहीं। फिर बारहवीं फिर कॉलेज फिर पढ़ाई फिर इंजीनियरिंग भी हो गई। फिर बोलो शादी कर लो सब जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी। वो कई लोगों ने शादी भी कर रखी। तो बोलते हैं जब तक बच्चा नहीं होगा जब तक कोई सुखी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में ऐसे करते 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 इसको बोलते हैं मृग मिरीचि। हमारे शास्त्रों में नीति श्लोक में मृग मिरीचि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है इसका। मृग मिरीचि पता है किसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। डेजर्ट के अंदर रेगिस्तान के अंदर जब बालू चमकती है ना जैसा लगता है कि पानी का कोई तालाब है तो एक प्यासा हिरण जो है ना वो सोचता है कि दूर कहीं पानी है वो भागता है उस पानी की ओर। पास जाकर के देखता कुछ नहीं है क्या है तपती हुई रेत है। वो परेशान हो जाता है फिर देखता दूर कहीं फिर से उसको पानी नजर आता है वो वहां भागता है। ये सब क्या है फिफ्थ बोर्ड वो टेंथ बोर्ड वो ट्वेल्थ बोर्ड। ऐसे भागते भागते शादी बच्चे ये वो रिश्तेदार करते 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 वो जो हिरण है ना वो मर जाता जैसे रेगिस्तान में क्योंकि पानी तो है ही नहीं। ऐसे जो हम लोग है ना ऐसे करते 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 एंड में मर जाएंगे। और देखो जब आदमी मर जाता है ना सब कितना परेशान हुआ बूढ़ा हो जाता है एंड में मर जाता है। जब वो मर जाता है ना उसको अर्थी पर ले जाते हैं लोग ये तो सब भारत में तो ये रिवाज है। वो अर्थी पर जब उसको ले जाते हैं तो अर्थी पर ले आके बोलते हैं अरे सुन ओ भाई साहब जो मर गए सुनो ध्यान से जो हम कह रहे थे ना फिफ्थ टेंथ बारहवीं सब झूठ था शादी भी झूठ ये सब भी झूठ पता है राम नाम सत्य था। हमने छुपा के रखी तुमसे बात राम नाम सत्य था जो सब बात की सब झूठे था। किसको बोल रहे हैं जो मर गया जो मर गया उसको क्या बात बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य था। उसको जीते जी कोई बात ये बताता नहीं। कोई कोई महापुरुष जिसके हृदय में बड़ी करुणा भरी होती है जैसे कि गुरु जी वो आकर के घर घर जा जा करके बोलते हैं कि बोला भैया मरने के बाद सुन भी नहीं पाओगे जब लोग जो बात बोलेंगे ना अब सुन लो क्या सत्य है राम नाम सत्य। हरि भजन के बिना कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकता। गोस्वामी जी ने देखो रामायण के अंदर उत्तरकांड के अंदर जहां पर गरुड़ जी का और तारकभूषण जी का संवाद बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई। इतनी सुंदर सुंदर बात उसमें बताया देखो एक कैसे बोल रहे हैं ये कारकुशल ऋषि बात को बोल रहे हैं। बोला कमट पीट जा मही बहु बारा बंदौ सुस बरु काहु हिमारा फूल ही नब बरु बहु विधि फुला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कितनी अच्छी बात बताई। वो स्वामी जी क्या कह रहे हैं बोला कछुए की पीठ देखी किसी ने कितनी सख्त होती। बोला कछुए की पीठ पे बाल उग गए मैं मान लूंगा हाँ उग गए हो गए
बोला किसी बांझ स्त्री के पुत्र ने ना किसी को मार दिया, वो भी मैं मान लूंगा। जमीन के बजाय आसमान से फूल लगने लगे, आसमान में फूल लग रहे, वो भी मैं मान लूंगा। लेकिन हरि भजन के बिना कोई व्यक्ति सुखी हो गया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। ये कौन बोले? वो स्वामी तुलसीदास जी इस बात को बोले। इसलिए हमारे जीवन की सार्थकता यही है कि जैसे कैसे जो जहां पर है वहीं से ही कोशिश करके, जैसे प्रभु जी बता रहे थे शुद्ध भक्ति, कोशिश करके कैसे हम भगवान के प्रति आगे बढ़ जाए, कैसे गुरु जी को हम, गुरु जी की बातों में हमारा विश्वास हो जाए, थोड़ा 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 क्रम से थोड़ा थोड़ा करते करते, और हम कभी भगवान को प्राप्त करें, कभी भगवान की भक्ति को प्राप्त करें, कभी गुरु जी हम पे कृपा करें, ऐसे हमारे मन में अभिलाषा होनी चाहिए। अगर ये जीवन में नहीं है तो फिर जीवन ही को तो यही बोल के बिना आप सुनोगे बहुत बढ़िया कथा सुनाएगा शाम को, हम लोग सुनोगे बड़ी प्यारी कथा। देखो ये लोग ऐसे नहीं कोई काम धाम नहीं कर रहे, अपन नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसको साथ में प्रभु की भजन करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक बढ़िया उदाहरण देते हैं, तो क्या कहते हैं कि राम नाम के अंक है सब साधन के सुनो, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे तसनो। देखो क्या एग्जांपल दिया, जैसे एक रखो उसका सीधा अपने की जीरो दो, बताओ तो कितना होगा, बोलो कितना होगा, दस। पहले था एक, लेकिन जब एक जीरो दे दिया जो एक था दस गुण हो गया, और एक जीरो दो कितना होगा, सौ। पहले था दस, लेकिन एक जीरो देने पर उस दस गुण बढ़ जाता है, और एक जीरो दो कितना होगा, हजार। था सौ, लेकिन देखो एक एक जीरो से दस दस गुण बढ़ रहे हैं। फिर वो समझाते हैं अभी एक को हटा, एक जीरो दो कितना होगा, जीरो। और एक जीरो दो, जीरो। और एक जीरो दो, जीरो। और एक जीरो दो, जीरो। देखो क्या समझाते हैं, कहते संसार जीरो ही है, कोई किसका है ही नहीं। जैसे हम लोग धर्मशाला में रुकते हैं ना, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, बोले तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, लोग बम्बे मद्रास दिल्ली, रात में खुद तो गप्पे मारते हैं, सवेर होते ही सब चले जाते हैं। ये संसार ठीक वैसे, तुम मेरी बीवी, मैं तेरे पति, तुम मेरे बच्चे, भैया गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ये गप्पे मार रहे हैं। जिसका समय आएगा ना, पिता माता रहते रहते बच्चे का समय आएगा तो वही उतर जाएगा, वो एक सेकंड के लिए इंतजार नहीं करेगा, उसको उतरना ही पड़ेगा, ये संसार जीरो है। लेकिन वो गोस्वामी जी कहते हैं वो जीरो हीरो बन सकता है, ये जीरो हीरो बन सकता है, बोले कैसे, अगर एक से जुड़ जाए, वो एक क्या, बोले भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, अगर प्रभु को भक्ति को साथ में अगर कर रहे हो ना, बात फलते फूलते रहोगे। इसलिए खूब संसार करो, पैसा कमाओ, क्यों, ठाकुर के भजन के लिए, ठाकुर जी सेवा के लिए, शादी करो, दोनों मिल करके हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, रसोई बनाओ ठाकुर जी को प्रसाद लगेगा, घर में झाड़ू लगाओ, ठाकुर का मंदिर वास हो गया, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। इसलिए प्रभु की भक्ति को साथ में सब कुछ करो। लेकिन ये जो चीज है ना, इसका एक मूल चीज है, लेकिन जब तक हम किसी भक्तों से नहीं जुड़ते ना, ये नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर पाओगे, अकेले नहीं, इधर सुने को इधर निकल के चल निकल जाएगी, लेकिन जब किसी भक्तों से जुड़ जाएंगे फिर तो वे हमें रास्ता दिखा करके हमें साथ में ले सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। इसलिए भक्तों का संग अगर मिल जाए ना, हमें उत्साह कौन देगा, रास्ता कौन बताएगा, मार्ग में कौन ले जाएगा, भक्त लोग ही ले जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है इनको साथ में जुड़े रहने चाहिए, इनको साथ में जुड़े रहेंगे तभी भक्ति हमारी आगे आगे बढ़ते रहेगी। ठीक है, भले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पिताजी गौर प्रणाम दे। ठीक है, अब आप लोग सब जाओ अपना अपना काम करना और शाम कथा में आना। ठीक है, अगर जिसको